वक्त है, हमें भगवान सब कर लो।
भैया क्या इंसान हो मारे भैया क्या मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये क्या परेशानी है? ये तो कुछ भी नहीं है। अरे देख चंदन तेरे हाथ कितने कठेट हो गए। माहिर कराने वाला ये भूल जाकर आने वाला और जंगल में लकड़ियां काटे। अच्छी बात कुछ नहीं। तू मुझे भगवान एहसान पे जो भी देना जाता है उसे देखना ही पड़ता है। तू मुझे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो चैन से रह रहा हूँ। सोच ले अभी बात क्या सोच लो मुझे भगवान बोल दे। नहीं हट जा। भगवान माने चिंता करता है तो सुन मेरी बात। आपने उस भगवान के नाम पर आपने बेटे राज्य की बलिदान कर कुर्बानी कर तब भगवान हेलो। ये आगे हमारे श्रीमान राम राज बबली टोला ये 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी को से खन जाए। क्या कहा भैया? अगर मुझे भगवान माने सिक्का काटा है तो उस जिस भगवान को तुम मानता है उस भगवान के नाम पर अपने बेटे का झुकी कुर्बानी करके दिखा मुझे तब मैं मानूंगा तेरा उस भगवान कहा। मैं कुर्बानी देखना चाहता हूँ। देख सकते हो और मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है तत्काल चाहिए। प्राण है कहिए। अरे उसे लोकल करेगा हम सामने देखेंगे। अरे वो मानेंगे भगवान भगवानिया आउट देखते क्या करते हैं। ठीक है क्या हो गया तुम्हें? आखिर क्या बात है? अब ये मत पूछो कि तुम क्या हाल बना रखे हो। अब ये सब क्या है क्या नहीं है तब से तो और मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है प्रिय। क्या बताऊं क्या है ना बताऊं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है प्रिय लो सुनो बात क्या है। मैं बता रहा हूँ आपसे। मैं तुमसे कहाँ छिपा सकता हूँ कहाँ रहूंगा छिपा करके प्रिय। तो
पिता तो अपने बेटे को कुर्बान उस भगवान के नाम पे जिसे तो मानते हो, तुम्हारी क्या राय है? एक ही बेटा है मेरे पास और वो भी हमारे हमसे जुदा हो जाएगा तो क्या होगा? लेकिन कहीं कह सकते हैं, बार बार वो यही कह रहे हैं कि यही करो यही होगा, वो क्या सकता है? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं क्या न करूं, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रिय तो नहीं कहा दुश्मनों ने यह बात पा चुकी है, कुछ भी नहीं हो सकता। माता ये बताओ मैं कैसे करूंगी, कैसे सब्र रखूंगी? अगर मुझसे जुदा हो गया तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। समय ज्यादा नहीं है, समय का वो इंतजार कर रहे हैं, आओ जो चलते हैं उनके पास, आओ इस काम को करना ही होगा। नहीं, नहीं।
एक जगह भगवान भगवानिया कहने में तकलीफ हो रखी। नहीं दीदी ऐसा नहीं कह सकती, नहीं कहूंगी नहीं कहूंगी। मेरा मुन्ना अरे राजू बेटा ये बता, तेरा पापा तेरी मम्मी इन्हें नाराज होती है, तू बेटा मुझे माँ जानती हो ना, बेटा मुझे इन्हें भगवान और भगवानिया चाहिए मेरे लायक। भगवान और भगवानिया मेरे माता पिता नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं नहीं कहूंगा नहीं कहूंगी। भैया भैया देखिए क्या है, क्या हुक्म है? अरे मेरा तो छोटा छोटा, मैं छोटी छोटा कह रहा हूँ, केवल तो भगवान भगवान सारी जगह। नहीं नहीं नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया, कह दिया तो ठीक है, कल कुर्बानी अपने बेटे की ठीक है, मैं भी इसी वक्त कर रहा हूँ। कहते हैं अभी लोग क्या भगवान भगवानिया तुम्हारी अभी मरम्मत होती है, ये 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी को दे सकते हमारे राज में ऐसी कहने की जरूरत होती है। नहीं आना चाहिए, ये कुर्बानी कुर्बानी उससे चंदन से नहीं कराऊंगी, वो आशा अपने बेटे को खुद अपने हाथों से करे। और इस तरह नहीं, ये घूमन खोल करके तब अपने बेटे को कुर्बानी करी, ऐसे नहीं सही जब घूमर के ओर से आंसू गिर जाएगा तो सब छोटा रहेगा। सुन लिया तुमने, ये कुर्बानी राजू की माँ करेगी, और शर्त ये भी है कि आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिया साहब और ये तलवार बेटे की कुर्बानी तुम्हें करना होगा, और ये तलवार कुर्बानी के वक्त आंखों से आंस नहीं आना चाहिए, और ये तलवार आशा को देखो। ले आशा अपने मुख खोली से ये खंडन, और अपने बेटे को कुर्बानी करते हुए आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। आराम जाने भी काट डालेंगे तुझे, कोई भी बात है कुछ आराम जा
क्या बात है बोलो, तू नंबर वन, तू नंबर वन, आशा तेरी, ये अपने बेटा को कुर्बानी करें। प्रिय इनका कहना है कि तुम नंबर बोलो और वो खंजर चलाएंगे। ठीक है, तैयारी बना लो, मैं नंबर बोलने जाता हूँ। आपने घूंघट खोल के, घूंघट नहीं मारने में ना, और हसरत दिल में
से बच ही नहीं सकते। अब ये तीनों लाश ही चलकर भस्म हो जाए, न नदे का पाश और न बाजे का पाश। पर्वत पर उसी पर्वत पर दोनों जन भजन करेंगे और अच्छी बांसुरी बजाएंगे और शंकर भगवान तू पार्वती और हम लोगों के बीच में कैश से उठा किस लिए आओ चले कहाँ चले अरे पर्वत पर चले पर्वत पर चले और क्या अभी इंतजार करते हैं अभी खबर आएगी वो क्या आएंगे तो वो खबर आ जाएगी बेटे की लाश तो गर्म हो गई है ये लुचक रही है जी स्वामी जी सांस चलना शुरू हो गया जी माँ सांस भी चल रही है बेटा 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 साहब है बेटा है बेटा जीवित है ये महिला पूरा और दूल्हा पुर में रहने वाली बहन जी की ओर से ये 11 पुर पाए का पुरस्कार कहते हैं मुझे ही लाख पूरा चाहे तो क्या होता है अरे वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है अरे वो राजू पंडा जो हम देख रहे हैं क्या वही तुम भी देख रही हो रखिए हम पूछते हैं भैया चंदन अब हमें क्या करना है हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं क्या इजाजत है क्या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं हाँ पूछो तो चंदन